मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उस पर 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने NHI के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहाँ पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? BJP का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। तेजस्वी जी, आप हिम्मत दिखाइए और जांच करिए इन सब का। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बहुत गर्म हो गए हैं। आप ही जाने कि सुल्तानगंज में जो ब्रिज गिरा है, जो पुल गिरा है, वो दोबारा गिरा है। जी हां, उसी पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बहुत गर्म हो गए और सुनाने लगे विपक्षों को और भाजपा को, रगड़ के रख दिए, सिंगला कंपनी को रगड़ के रख दिया। और सबसे बड़ी बात वो कह दिए हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कौन कहता है कि इस्तीफा दो, वो लोग कौन होते हैं बोलने वाले? देखिए, भाजपा को बोल रहे हैं और विपक्ष को पूरा सुना दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जाप में पप्पू यादव, आप वो सुनिए। 9 सालों के अंदर अभी तक पहली बार सिंगला कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी, टेंडर के लिए उपयुक्त नहीं था, 8 स्टेट उनको ब्लैक लिस्टेड कर दी थी, फिर सिंगला कंपनी को किन परिस्थितियों के कारण, किन कारणों से 600 करोड़ से शुरू हुआ ये टेंडर, 1700 करोड़, फिर 2700 करोड़ तक ये टेंडर पहुंच गया। इसमें कौन कौन IAS, कौन कौन पदाधिकारी मिली भगत है, कौन कौन मंत्री का मिली भगत है, कौन कौन लोग हैं। और अब मैं कोट करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के हिस्सा में दरअसल NBHARATTIMES.com, अभी उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लंबे समय से बिहार सरकार में बैठे एक भ्रष्ट और एक विधायक 6 साल के बाद एक सवाल खड़ा किया, किसी मंत्री IAS का नाम, कि जो IAS उसके सेक्रेटरी रहे हैं, फूल निगम दुधारू गाय बनता रहा है, उसी को बार बार जांच क्यों दिया गया? क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दी जा सकती? क्या क्रिमिनल को जज बना करके जस्टिस मिल सकता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल महत्वपूर्ण है, उसमें यह सवाल भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2019 पहला उद्घाटन का डेट दिया गया, फिर 20 दिसंबर 2020 को उद्घाटन का डेट दिया गया, 30 जून 2021 को दिया गया, फिर भ्रष्टाचार की भूख शांत नहीं हुई तो इस पुल का निर्माण 30 मार्च 2022 तक तय कर दिया गया, फिर पैसे वसूले गए तो 30 दिसंबर 2022 की तारीख तय हुई, फिर पैसे वसूले गए तो 30 मार्च 2023 की तारीख तय हुई, फिर पैसे वसूले गए तो 30 जून 2023 की तारीख मुहर तय हुई, और अब 31 दिसंबर का उद्घाटन का डेट तय हुआ। 14 महीने में 2 बार पुल टूट गए। मेरा सवाल BJP के PM से पहले है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? सीनियर बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ कुछ ऐसे लोग, मैं नाम उसका अभी नहीं लूंगा, 5 ऐसे पत्रकार का नाम है जो इसमें इन्वॉल्व है, 2 IAS, 3 IAS इसमें इन्वॉल्व है। बहुत क्लियर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंगला कंपनी को टेंडर बिहार सरकार ने दी तब वो महाचोर BJP के लिए हो गया, जब आप गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम इसको दिया ब्लैक लिस्टेड के बाद, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अभी विक्रमशिला में टेंडर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा सिंगला कंपनी को। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने NHI के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? अवार्डेड है ये कंपनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहां पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? इस्तीफा होगा तो फिर NHI का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार आप 17 सालों से PWD में मंत्री कौन थे? नंद किशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, 1 साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई?
पहले ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पुल सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे, उस वक्त भी इसके ब्लैकलिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएस है जो बचा रहा है? किस आईएस के खाते में या द्वारा खाते में नहीं दूसरे जगह जाकर के विदेशों में अन जगह 100 करोड़ रुपया मिला, जिसको न भारत टाइम्स मणिकांत ठाकुर ने कोट किया है, बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी कोट किया है। मेरे पास दोनों के लिस्ट है, ये है मेरे पास लिस्ट, दोनों ने लिखा है जिसको मैंने निकाल के आपके, ये मेरा कोट नहीं है। 6 साल के बाद कुंभकर्ण के तरह विधायक की नींद टूटी। मेरा सवाल यह है, इसमें कहीं से भी 7-9 महीना पहले बनी हुई सरकार, मैं मानता हूं तो उनको तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इसमें नई सरकार कहां से आ गई? यह भी मेरा सवाल है। और मैं यह भी मानता हूं कि क्वेश्चन के बाद अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यह कि मैंने सोकॉज नोटिस भेजा है, सोकॉज नोटिस का मतलब क्या था, कितना माल आएगा? इसके पहले जो सोकॉज नोटिस भेजे हैं पदाधिकारी लोग, मेरा वहां सवाल खड़ा है, कहां से ये बालू मिट्टी वाले आए, कहां से एम आज तो है नहीं, ये 10 नंबर पाया गिरने से ये पुल तो टूटी नहीं है। आप पुल का कोई भी प्लेट उठाएंगे तो मट्टी, सीमेंट नहीं, कोई मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उस पर 8 स्टेट ने ब्लैकलिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और मेरा चैलेंज के साथ है, बीजेपी का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? वो नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? सिंगला कंपनी की जांच की हिम्मत है तो वो सीबीआई से कराए, है हिम्मत तो वर्तमान न्यायाधीश से कराए। मैं स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाहता हूं, निगरानी विभाग इसमें लगे। 12 आदमी सिंगला कंपनी के चलते वहां मरे हैं। कल जो मरे वहां पर पप्पू यादव को लाश दिख रहा था, हमारे आने के पहले सब सामान उठा के लेके चला गया, लाश नहीं निकाला, एक पदाधिकारी नहीं गए, एसडीओ को फोन करना पड़ा, 20,000 रुपया पप्पू यादव को 4 बच्चे को देना पड़ा, एक लाश मात्र दिखी जो 48 घंटे से भूख हड़ताल पर वहां बैठा हुआ था। एक पदाधिकारी 48 घंटे के अंदर नहीं गया पप्पू यादव के अलावे। और जो विपक्ष का नेता चोर बाजे तो बाजे चम्मच भी बाजे, चोर बजाए शोर, हम नाम कहकर लेंगे चुरकुट सबका। एक तो बाबा जब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था, मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रेन हादसा का पता था उसको, मरने दिया गया। एक ही जिला में 24, मैं वहां आऊंगा अभी, लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की कुकृत हरकत कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे खाए पदाधिकारी के बाद, हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। तेजस्वी जी, आप हिम्मत दिखाइए और जांच करिए इन सब का। सिंगला कंपनी आज जो रुटकी के द्वारा जांच की बात आ रही है, तब क्यों नहीं हुई? और 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? पहली बार पुल टूटी तो ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं हुआ? पटना में 3 लोग मरे तो ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और जितनी बाहर की कंपनियां आई है यहां, पुल निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री है, हम उसकी भी जांच चाहेंगे। जो लोग पुल निगम में दुधारू गाय था पुल निगम, और जितनी बड़ी कंपनी, जयपुर कैसे दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट, और विक्रम सिन्हा कैसे दिया गया ब्लैकलिस्टेड के बाद, इसको एनएचआई ने कैसे अवार्ड दिया? मैंने अवार्ड नहीं दिया है, एनएचआई ने अवार्ड दिया जो बीजेपी का है। बीजेपी तो लगातार पप्पू जी ये मांग कर रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच। सर, बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में कह रही है इस्तीफा, आप वो मांग रहा है तेजस्वी यादव से, जबकि 17 साल मंत्रालय में रहे बीजेपी, और बीजेपी के समय यह जांच उठी थी, जब पहली बार टूटा था तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, मंत्रिमंडल में बीजेपी थे, शुभ बाजे तब बाजे चलनी बाजे, तो आप कह रहे चोर मचाए शोर।
तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव गरम हो चुके हैं। सुल्तानगंज में जो पुल गिरा है, जो ब्रिज गिरा है, वो दोबारा गिरा है। मतलब एक साल पहले वो पुल गिरा था और इस बार भी गिर चुका है। उस पर बहुत गरम हो गए हैं, भ्रष्टाचार पे बोले हैं और सीधे आईएएस अधिकारी सबको सुना दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को वो लोग कौन होते हैं जो बोलते हैं कि इस्तीफा दीजिए। बहुत गर्म हो गए थे, क्या कुछ कहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।